जी देखिए, ये एक पेशेंट हैं जिनकी किडनियां फेल हैं और ये इधर उधर इलाज करा रहे थे, लेकिन कहीं से इनको कोई रिलीफ नहीं हुआ था। तो हमारे पास ही आए, किसी ने हमारा एड्रेस दिया। जी बताएं बच्चे, क्या नाम है आपका? आदिल। अच्छा, कहाँ रहते हैं? गोगोनपुर। कहाँ पर पड़ता है ये? आप बताएं जी, कहाँ पर? जिला शामली। जिला शामली में जिला पड़ता है। शामली। गांव कौन सा है? गांव गोगवान। गोगवान। जी। अच्छा, आप इनके जो है वालिद साहब हैं? जी। अच्छा, आपने सब जगह, बहुत जगह ट्राई किया था? दिल्ली, शामली, सहारनपुर, कहीं से तो कोई आराम नहीं मिला। अच्छा, डॉक्टरों ने क्या बताया था? डॉक्टर ने जवाब दिया कि चंडीगढ़ ले जाओ, ऋषिकेश ले जाओ। देखिए, इन्होंने हमारे यहाँ जो इलाज किया तो आज इन्हें 9 दिन हो गए, है नहीं? 9 दिन हो गए, और 9 दिन पहले की इनकी हम जांच आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बच्चे का नाम है आदिल, 14 साल की एज है। आप 9 दिन पहले का इनका यूरिया देखें तो 198.40 है, और आज की जो इनकी जांच है, जो अब की है, तो आप इनका यूरिया देखें 119 आ गया घट के, ठीक है। अब 9 दिन पहले का क्रिएटिनिन देखें, 5.29 है, और आज का क्रिएटिनिन देखें 2.08, यानी कि 2 है सिर्फ। अब 9 दिन पहले का इनका यूरिक एसिड देखें तो 8.89 है, और आज का इनका यूरिक एसिड देखें तो 6.45 है। अब 9 दिन पहले का इनका कैल्शियम देखें, 7.10 है, और आज का इनका कैल्शियम बढ़ के जो है 8.5 हो गया, यानी कि तकरीबन पूरा हो चुका, कैल्शियम घटा हुआ था, कैल्शियम काफ़ी इनका बढ़ चुका है, पहले किसी दवाई से नहीं बढ़ रहा था कहीं से भी। अब दूसरी चीज़, इनका फॉस्फोरस देखें, 7.61 था पहले, लेकिन फॉस्फोरस का लेवल जो है हमारी दवाई से काफ़ी घट गया है, और ये 4.30 हो गया। तो ये 9 दिन का ये रिज़ल्ट है। तो क्योंकि देखिए, वीडियो इसलिए हमने बनाई कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि किडनी फेलियर का दुनिया में कहीं इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ये काबिले इलाज मरज है, और बहुत मुश्किल इसका इलाज नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मरीज़ों के दिमाग में गलत फहमी फैला रखी कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। चाहे जहाँ घूम लो, डायलिसिस होता है। देखें, आपके सामने डायलिसिस पेशेंट बैठा है, तो बिल्कुल सही हो चुका, और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कोई भी ज़रूरत नहीं डायलिसिस की, सब डायलिसिस छूट जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग यकीन ही नहीं करते हैं इसका इलाज है। भाई, इलाज 100% इसका हो जाता है, लेकिन इलाज के लिए शर्तें हैं कि इलाज करने वाला हो, इलाज के नियमों को जानता हो। तो एडवांस यूनानी में इसका कामयाब और बहुत ज़्यादा सक्सेस इलाज है। हाँ, देखिए, एक चीज़ और है, आप कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सर आपने क्या दिया, क्या दवाई दी, तो ये मैं आपको मरीज़ की ज़बान से कुछ बताए सुनवाए देता हूँ कि हमने खाने पीने के लिए क्या बताया। जी बताएं, आपके बेटे को क्या खाने के लिए बताया था? खट्टी चीज़ें बताई थी? खट्टी चीज़ें, लस्सी, कढ़ी। अच्छा, डॉक्टर ने खट्टी चीज़ों को कहा था? ये सब बंद कर रखे थे उसने तो। डॉक्टर ने कहा था कि खट्टी कोई भी चीज़ इनके पेट में नहीं जानी चाहिए, लेकिन हमने बताया कि रोज़ाना सुबह शाम एक एक गिलास जो है मौसमी का जूस पिए, ऐसे बताया था? ऐसे बताया था। अचार भी बताया था, वो खट्टा दही खाने के लिए बताया था, और दुनिया भर की खट्टी चीज़ें हमने इन्हें जो है शुरू की खिलानी, और डॉक्टर की जो गिजाएं थी, जो नेफ्रोलॉजिस्ट इन्हें खिलवाते थे, रिकमेंड करते थे, तो वो तोरी, टिंडा, परवा, चचिंदा, गाजर, मूली, लौकी, कद्दू, भिंडी, अरबी, दूध, ये चीज़ें डॉक्टर लोग खिलाते थे, और ये तमाम चीज़ें हमने मना कर दी खाने को। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पेशेंट हो उन्हें आप ये सब चीज़ें मना कर दें, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के कौन से टिश्यूज़ जो है हाइपर एक्टिव हैं और कौन से हाइपो एक्टिव हैं। तो टिश्यूज़ की कंडीशन देखकर, क्योंकि बीमार किडनी है तो पूरी किडनी, ऐसा नहीं है पूरी किडनी को आप लेकर चलें, पूरी किडनी को लेकर इलाज कभी भी नहीं होता है, सिर्फ पार्टिकुलर टिश्यूज़ को ही आप ट्रीट करेंगे तभी किडनी सही होगी, यही इसका कायदा है।